तो अब आप देखिए कौन सा ठीक है, 3 4 6 या 4 6 7। तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से करते हैं जहां से फंक्शन ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन मिले। तो बेटा आप देख पा रहे हो कम से कम पोजीशन यहाँ से मिल रही है 3 4 और 6 से, यहाँ पे तो स्टार्टिंग ही 4 से हो रही है, 4 6 और 7। तो ये बेटा एक रूल है जिसको हम बोलते हैं लोक एंड रूल, जिसे हम क्या कहेंगे, लोक एंड रूल कहेंगे। और लोक एंड रूल की कंडीशन ये है कि नंबरिंग उस तरफ से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कम से कम कार्बन एटम पे आए। तो यहां से पोजीशन आई 3 4 और 6, यहां से आई 4 6 और 7। बेटा एक बात और, अगर आप इनका सम करके देखते हो तो यहाँ आपका है 3 और 4 7, ठीक है। उसके बाद 7 में 6 और जोड़ो, यहाँ पे आपका सम आता है 13। और अगर मैं ये करती हूँ दूसरा, तो यहाँ पे 6 और 4 10, 10 प्लस 7, यहाँ पे सम आता है 17। ओके, तो यहाँ पर रूल ये है बेटा, जिसका सम कम से कम आएगा आप वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो इन तीनों का सम आ रहा है 13 और इनका आ रहा है 17, तो कम से कम किसका आया, 3 4 और 6 वाली पोजीशन का आया। इसका मतलब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी, 3 4 और 6 की पोजीशन से होगी, ठीक है। तो अब इसका नेम हम लिखते हैं। तो आपको बेटा ये समझ में आ रहा है ये कंपाउंड क्या है, ये इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं। तो ये कंपाउंड है CH3, या आगे सी होगा ना, और सी पे तीन आपके एच है, CH3, यहाँ भी एक CH3 है, ओके। और ये जो आपका है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो कार्बन है, 1 2, दो कार्बन एटम है यहाँ पे, 1 2, ठीक है। तो अब इन दोनों कार्बन एटम को कंबाइन लिखोगे तो ये CH2 CH3 है, मतलब ये C2H5 है। क्या है ये, C2H5। तो C2H5 का नेम क्या होगा, इथाइल, और दोनों CH3 का नेम क्या होगा, मिथाइल होगा। C2H5 का नेम है इथाइल और दोनों इसका नाम होगा मिथाइल। तो इसका नंबरिंग करने के बाद नेमिंग क्या हुई आपकी, अब इथाइल पहले आता अल्फाबेट में, तो कार्बन नंबर 3 पे क्या है, इथाइल। उसके बाद कार्बन नंबर 4 और 6 पे दो जगह आपका क्या है, मिथाइल, 3 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल। और नंबरिंग में 9 कार्बन है, 9 को क्या बोलते हैं, नोन, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल नोन एन। आप समझ में आया बेटा, लोक एंड रूल से करना है ये। अच्छा बेटा, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम। आज के असाइनमेंट में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बोलिए। कोई कंपाउंड आपको आयु कैसी नेम पूछना हो किसी का। अच्छा बेटा, एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, मे भी आपको स्ट्रक्चर बनाना दिया जाए और आपको नेम गिवन हो तो भी आप कर सकते हो। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है आपको नाम दे और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो भी कर सकते हो। आपको 4 स्ट्रक्चर बना के देंगे, उनमें से एक ठीक होगा वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये दे रही हूं, 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाई ई, ये आपको एक कंपाउंड का नेम दिया है और आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है। तो इसका राइट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप बेटा सबसे पहले ये देखा करो वर्ड रूट कितने कार्बन की है। तो ब्यूट का मतलब वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, 1 2 3 4। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, हो गया। उसके बाद आप ये देखो कार्बन 1 और 3 पे डाई मतलब दो जगह, इन मींस क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग चाहे यहां से कर लो 1 2 3 4, चाहे यहां से करो 1 2 3 4, बात तो एक ही है। तो अब कार्बन 1 और 3 पे इन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप बताइए 1 पे डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, कार्बन 1 और 2 के बीच में है, और 3 पर डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, कार्बन 3 और 4 के बीच में, ठीक है बेटा। अब और कुछ यहाँ पे है ना, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथाइल है। अब बेटा आप लोगों ने चाहे यहां से 1 लिया हो, किसी बच्चे ने ये सोचा है तो भी ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने ये उल्टा सोचा है तो भी सही है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 में है, एक 3 4 में है, यहां से भी एक 1 2 में और एक 3 4 में है, तो कहीं से डबल बॉन्ड लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो अब बताओ इसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या लगाऊं, मिथाइल। अब जिस बच्चे ने ये नंबरिंग की है वो तो कार्बन 2 पे यहां लगाएगा मिथाइल,
और जिस बच्चे ने यहाँ से नंबरिंग की सोची है वो यहाँ कार्बन टू पे लगाएगा मिथाइल, मतलब तुम जिस तरफ CH3 लगाओगे ना वो आपका कार्बन टू हो जाएगा, ओके वो आपका क्या होगा कार्बन टू हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये कंपाउंडिंग करना है, अभी पूरा नहीं है इसकी वैलेंसी और कंप्लीट करो, 4-4 बॉन्ड करोगे ना हर एक कार्बन के, अभी तो इसके 2 ही हुए हैं, 2H और लगा दो यहाँ पे, इसके 3 हो चुके हैं 1H आएगा, इसके तो 4 बॉन्ड बन चुके हैं और इस C के पास कितने H आएंगे 2, क्योंकि डबल बॉन्ड तो पहले ही था। तो ऐसे बेटा आपका एग्जाम में स्ट्रक्चर भी आ सकता है, नेम आपको गिवन हो सकता है, तो सबसे पहले आप वाइट रूट को देखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम को अरेंज करना, उसके बाद बस आपको देखना है किस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ इसको आप करेंगे। तो बेटा मैं आपको आज एक असाइनमेंट और दूंगी IUPAC नेम का, वो मेरे पास आप भेजना। हाँ जी, आज के असाइनमेंट में 15th बता दो। 15th, एक मिनट बेटा मैं देख लूँ क्या था। ओके 15th आपका था, ये पेपर मंडे ट्यूसडे है ना इस बार, अभी सिलेबस तो बहुत पेंडिंग है बेटा। ऐसा कंपाउंड है आपका, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पर इस तरह से है और एक ये, इसी कंपाउंड की बात कर रहे हो बेटा, करें इसको, ठीक है देखिए इसको ध्यान से, इस कंपाउंड में क्या होगा, आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दिया करो बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ डबल बॉन्ड ही है बस, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड से करो राइट हैंड साइड से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बेटा मैंने यहां से नंबरिंग की, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैं इसी कंपाउंड को दोबारा यहां पे ड्रॉ कर रही हूं, और इस बार मैंने नंबरिंग यहां से की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप लोग पहले मुझे ये बताइए इनमें से कहां पर कौन सा नंबरिंग आपका ठीक है, ऊपर वाली नीचे वाली, बताइए बेटा इनमें से कौन सी नंबरिंग आपकी ठीक है, ऊपर वाली बिल्कुल ठीक है ऊपर वाली, कैसे बताइए मैम, वो फंक्शनल ग्रुप है वहां पे उसको कम से कम नंबरिंग मिल रही है। यस बेटा फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम से कम मिलनी चाहिए। अब आप लोग ध्यान से देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है दोनों केस में, सब्स्टिट्यूएंट दोनों में ही कार्बन 4 पे आ रहा है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखते हो तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड तो आ रहा है कार्बन 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच का 1 पे माना जाएगा ना, और एक डबल बॉन्ड आ रहा है 5 और 6 के बीच में तो ये 5 पे माना जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 5 के बीच में। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करती हूँ तो यहाँ पहला डबल बॉन्ड है कार्बन 2 और 3 के बीच में, तो 2, 3 का 2 पे माना जाएगा और 6, 7 का 6 पे माना जाएगा। तो अब आप लोग बताओ बेटा डबल बॉन्ड की नंबरिंग 2 और 6 पे सही है या 1 और 5 पे ठीक है, लोक एंड ट्रू पे। हाँ जी बेटा लोक एंड ट्रू अप्लाई होगा, कम से कम पे आना चाहिए, तो 1 और 5 यहाँ आ गया समझ में। अच्छा नेमिंग का रूल आपको पता है ना, पहले प्रीफिक्स फिर वाइड रूट और फिर आपका सफिक्स। अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये क्या चीज है, ये दो बताइए बेटा। मैम सब्स्टिट्यूएंट। यस बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस बॉन्ड का मतलब है आगे यहाँ पर एक सी है, ठीक है उस सी का एक बॉन्ड तो ये हो ही गया, यहाँ पे 3 H और कर दो, ऐसे इस सी पर भी कितने H है 3 H है, मतलब कार्बन नंबर 4 पे कितने मिथाइल है, कितने मिथाइल है 2 मिथाइल है ना 2। अब नेम आप खुद लिख लेंगे इसका, मैं बस ओरली बोल देती हूँ, 4,4-dimethylhepta, ए जरूर लगाना, ए बता रखा है ना क्यों लगेगा, क्योंकि जब yes, भी डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आएगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो yes, एक साथ में लगेगा, तो इसका नाम है 4,4-dimethylhepta, 1,5-diene।
ठीक है बेटा, और बोलिए किसी का कोई डाउट है, कोई कंपाउंड पूछना है तो? मैम आईयूपीएससी नेम पूछना है बेटा, आईयूपीएससी नेम ही चल रहा है 10 दिन से, CH3CH2OH का इतना ही जी। देखिए बेटा ये CH3CH2OH यही बोल रहे हो ना, ठीक है। ये बताइए ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल। अल्कोहल बेटा, OH कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल। नंबरिंग किसके करते हैं? कार्बन एटम की चेन की। और नंबरिंग हमेशा वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। तो इस कार्बन से शुरू होगी ना 1 2, बस हो गया। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, डायरेक्ट वाइड रूट पे आ जाओ। बॉन्ड सिंगल है तो एन, एन का ई नहीं बेटा यहाँ पे आएगा, क्योंकि आगे डाई आएगा ना, 1 2 डाइओ। यहाँ पर ई क्यों आया? क्योंकि आगे आपका डाई में डी में कंसोनेंट आ गया। हाँ अगर ये वापस होता तो इसका ई हट जाता, ठीक है। तो इसका नाम हुआ इथेन, सॉरी बेटा इथेन वन ओर, इथेन वन ओर। तो सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हो? इथेनॉल। इथेनॉल बेटा, बड़ा कॉमन सा कंपाउंड है, इथेनॉल है ये। और बताइए बेटा, प्लीज शोर मत करो, मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा, साउंड कितनी सही, आवाज नहीं आए। और बताइए किसी की कोई डाउट है तो? नहीं है तो चलिए फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका बताना आईपीएससी नेम क्या होगा, ठीक है। कल ही करवाया था ऐसा कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखो, आपको मैंने 20 सेकंड्स का टाइम दिया। नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में पहले किसी प्रेफरेंस देंगे आप? कोई भी आंसर देगा इस क्वेश्चन का? एक डबल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों में पहले आप किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाती है। सही कहा था मैंने भी, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड का आप नेम देखिए बेटा, एक तो कीटो ग्रुप यहाँ है और एक कीटो ग्रुप यहाँ है, तो पहले प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप कीटोन को देंगे। अब चाहे आप नंबरिंग यहाँ से करो 1 तो 2 3 4 पे आएगा, चाहे यहाँ से करो 1 तो 2 3 4 पे आएगा। तो एक आपका हुआ 1, एक आपका हुआ 4। अब बेटा ये बताओ, मैंने ये नंबरिंग यू ही क्यों की 2 3, मैं इसको यू क्यों नहीं लेके गई 1 2 3 4? क्योंकि डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है बेटा, और डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस देनी है साथ में, इसलिए नंबरिंग हमने यहाँ से की। तो अब इसका नेम देखिए, प्रीफिक्स में आएगा साइक्लो, और कोई प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं। नंबरिंग की 6 कार्बन की नंबरिंग हुई है, उसके बाद 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 का डबल बॉन्ड 2 पे आएगा, हेक्स 2 है 3, और उसके बाद कार्बन नंबर 1 और 4 पे क्या है? कीटोन, डायोन। तो इसका नाम हुआ साइक्लोहेक्स 2E14DIO, ठीक है। साइक्लोहेक्स 2E14DIO। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएससी नेम बताना है।
करें बेटा। हो गया? अब ये बताइए आप बेटा, यहाँ पे NH2 है अमीन, अमीन एक फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में से पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप। यस बेटा, पहले प्रेफरेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो NH2 है फंक्शनल ग्रुप, मतलब नंबरिंग यहां से होगी शुरू। ये है कार्बन 1। अब बताइए कार्बन नंबर 2 ये होगा या ये होगा? CH3 वाला होगा मैम। यस बेटा, ये होगा कार्बन नंबर 2। अब अगर आपने कल का टॉपिक पढ़ा हो, तो कल मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड करवाए थे, और वहां मैंने आपको ये बताया था कि जब बेंजीन पे NH2 होता है, बेंजीन पे NH2 होता है तो उसका नाम होगा एनिलीन। नाम क्या होगा? एनिलीन। तो बेंजीन NH2 तो हुआ एनिलीन, और इसके कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। इसका नाम यही होगा 2-मिथाइल एनिलीन। बस इतना ही कंपाउंड था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब बेटा ये क्लास आपकी IUPAC नेम की ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करूंगी मैं शुरू, तो बहुत सारा सिलेबस रहता है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप मैं देखती हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। अरे बेटा हुआ बेटा, आप लोग पहले मुझे ये बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, बताइए। एल्डिहाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस बेटा, ये CH2 है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब इन दो में से मेन फंक्शन ग्रुप तो एक ही रहेगा ना, तो ये बताइए इन दोनों में से कौन से फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी? एल्डिहाइड। नो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको प्रेफरेंस दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगी CA को, के बाद मिलती है एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड से कम कीटोन, और कीटोन से कम अल्कोहल। ये आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर है। इन चारों फंक्शनल ग्रुप में से आपको फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दिखेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, उससे कम होगा एल्डिहाइड, देन कीटोन एंड देन अल्कोहल। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया है जो बेंजीन पे COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप मेन प्रेफरेंस देंगे। तो कल मैंने करवाया था आपको बेंजीन पे COOH क्या होता है? बेंजोइक। यस बेटा, क्या होता है? बेंजोइक एसिड। तो अब नंबरिंग इस कार्बन से होगी ना, यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप है। अब कार्बन नंबर 2 कौन सा होगा? ये होगा ना CH2 वाला। यस मैम। अब आगे तो 3, 4, 5, 6
तो अब ये देखो कार्बन नंबर टू पे एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड यहाँ पे यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में? फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। तो इसका नाम होगा 2-फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, 2-फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, ये इस कंपाउंड का नेम होगा 2-फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये समझ में आ रहा है? COCl? एल्डिहाइड? नो, एच थोड़ी है, सीएल अमाइन। अमीन? अमाइन नहीं बेटा, अमीन तो NH2 होता है। कीटोन? कीटोन होता अगर आगे यहाँ सी होता, मान लो ये CH3 होता तब ये कीटोन होता, बट मैंने तो यहाँ CL लिखा है। बेंजीन? नो, बेंजीन कैसे बेटा, ओपन चेन कंपाउंड है। ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ओके, अब देखिए इसका नेम क्या होगा। तो यहां पर नंबरिंग करते हैं सीओ वाले कार्बन से, यहां से नंबरिंग होगी कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका नाम अब देखिए, नंबरिंग में थ्री कार्बन यहाँ पे आए हैं तो प्रो, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एसिड क्लोराइड के लिए सफिक्स यूज होता है ओइल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या है बेटा? प्रोपेन ऑइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन ऑइल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा बेटा, अभी मुझे ध्यान आया एक फंक्शन ग्रुप आपका बीच में रह गया, वो स्किप हो गया, प्रोपेनॉल। अभी वो मैं करवा देती हूँ आपको, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना जरूर। इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है? जिसमें वॉटर ना हो वो क्या होता है? एनहाइड्राइड। तो जब हम 2 मोल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जब बेटा हम 2 मोल लेते हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये RCOOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो व्हेन वी टेक 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हम उसमें से माइनस कर देते हैं H2O, तब जाके आपका क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड। तब बेटा किसकी फॉर्मेशन होगी? एसिड एनहाइड्राइड की। इसकी पहचान होती है ये देखिए, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड R, ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड कॉन्फिगरेशन। R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड R। अभी बेटा एक क्लास और लेंगे इसके बाद। एसिड एनहाइड्राइड है ये। अब देखिए इसमें नेमिंग कैसे करते हैं, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसी में चेंज कर देती यहाँ पे। अब मैं R की जगह ना कोई भी एक एल्काइल ग्रुप लिख लूं, मान लो मैंने यहां भी लिख लिया CH3, यहां भी लिख लिया CH3, तो आप ये देखिए दोनों साइड कितने कार्बन एटम है, 1, 2। यहां भी कितने हैं? 1, 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे? इथेन। बॉन्ड सिंगल है एन और ओइक, मतलब ये जो एसिड एनहाइड्राइड है वो किससे बना है? इथेनोइक एसिड से। तो इसका नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड।
इसका नेम क्या होगा? इथेनॉइड एनहाइड्राइड। अब बेटा मान लो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, इधर मैं ना सी एच थ्री ना करके ये कर दूं सी एच टू एच थ्री, मैंने हल्का सा चेंज किया है यहाँ पे। अब नाम में थोड़ा सा चेंज क्या होगा, देखिए इधर दो कार्बन है तो इथेनॉइक, और इधर वन टू थ्री थ्री कार्बन है तो प्रोपेनोइक। तो अब यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ जाएगा, दो कार्बन के लिए इथेनॉइक और तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोइक। तो इसका अब नाम हुआ इथेनॉइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लिखोगे अल्फाबेट से, पहले ई एंड देन आपका, इधर दो कार्बन थे तो इथेनॉइक और इधर तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक। तो इसका नाम हुआ इथेनॉइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड।